फाइनली हमारे इंडिया में भी BS7 बाइक लॉन्च हो चुकी है और BS7 बाइक लॉन्च होने की वजह से BS6 गाड़ियों का जो प्राइस है वो घट चुका है। जैसा कि हम लोगों ने जो है होंडा कंपनी की CV300F में देखा कि कंपनी ने जो है 50,000 रुपये इस गाड़ी की प्राइस को घटा दिया है और रिसेंटली यहां पर बजाज कंपनी ने अपनी डोमिनार 400 में भी लगभग जो है 25,000 रुपये प्राइस को घटा दिया है। सो यहां पर जो है BS6 गाड़ियों का जो प्राइस है वो घटने वाला है। और साथ ही साथ दोस्तों यहां पर मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि BS6 गाड़ियों को जो है बंद भी कर दिया जाएगा। तो आज के इस वीडियो पे मैं आप लोग को यहां पर बताने वाला हूं कि यहां पर जो है BS6 गाड़ियों को क्यों बंद कर दिया जा रहा है और साथ ही साथ जो है BS7 में आप लोग को क्या कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे BS6 के मुकाबले, उन सभी चीजों के बारे में आज के इस वीडियो पे मैं आप लोग को पूरी जानकारी देने वाला हूं। तो चलिए अब हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, आगे आप लोग को बाइक से रिलेटेड ऐसे वीडियोस की इंफॉर्मेशन देखने को मिलती रहेंगी। तो चलिए अब हम लोग इस इंफॉर्मेटिव वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब यहां दोस्तों सबसे पहले तो मैं आप लोग को यह बताता हूं कि हमारी जो गवर्नमेंट है, जो सरकार है, उनकी तरफ से यह ऑफिशियली आदेश आया है कि 1 अप्रैल 2023 से जो है जितने भी BS6 गाड़ियां हैं उन सभी को जो है बंद कर दिया जाए और 1 अप्रैल के बाद से जो है BS6 गाड़ियों के जगह BS6 फेज 2 वाली गाड़ियां बेची जाएं। अब यहां पर BS6 के मुकाबले BS6 फेज 2 में दोस्तों आप लोग को लगभग जो चेंजेस देखने को मिलेंगे वो देखने को मिलेंगे OBD2 सेंसर और RDE नॉर्म्स का। अब यहां पर 1 अप्रैल 2023 के बाद से हमारे इंडियन मार्केट पे जितनी भी गाड़ियां बिकेंगी उन सभी गाड़ियों में जो है आप लोग को OBD2 सेंसर देखने को मिलेगा और गाड़ियां जो है RDE नॉर्म्स के साथ आएंगी। अब यहां पर दोस्तों OBD2 सेंसर और RDE नॉर्म्स क्या है उसके बारे में मैं आप लोग को आगे वीडियो में बताऊंगा, बट यहां पर मैं आप लोग को इतना बताता हूं कि ये जो OBD2 सेंसर है और RDE नॉर्म्स है, ये दोनों चीज अगर जिस भी गाड़ी में रहेंगे उसको जो है ऑफिशियली BS6 फेज 2 वाली गाड़ी कहा जाएगा, बट यहां पर जो है काफी सारे लोग इसको जो है BS6 2.0 भी कह रहे हैं और साथ ही साथ काफी सारे लोग तो BS7 भी कह रहे हैं। अब यहां पर आपको जो कहना है वो आप कह सकते हैं, बट अगर ऑफिशियली बात करी जाए तो वो जो है BS6 फेज 2 का जा रहा है। अब यहां पर BS6 फेज 2 वाली गाड़ियां लॉन्च होगी तो उसका मतलब ऑब्वियसली BS6 गाड़ियां का जो है प्राइस घटेगी। तो यहां पर जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि होंडा कंपनी की जो होंडा CV300F है इसका प्राइस को कंपनी ने जो है लगभग 50,000 रुपए घटा दिया था और साथ ही साथ रिसेंटली यहां पर बजाज कंपनी ने अपनी बजाज डोमिनार 400 का भी प्राइस को घटा दिया है, जो कि लगभग जो है 25,000 रुपए के आसपास में प्राइस को घटा दिया है। सो यहां पर BS6 गाड़ियों का जो प्राइस है वो यहां पर घटने का चांस काफी ज्यादा है। अब वैसे ऑफिशियली कंपनी की ओर से तो कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिला है कि गाड़ी का प्राइस को कब तक घटाया जाएगा या फिर कितना घटाया जाएगा, बट ऐसा हो सकता है कि BS6 गाड़ियों का जो प्राइस है वो घट जाए। अब मैं आप लोग को बताता हूँ कि यहाँ पर BS6 के मुकाबले BS6 फेज 2 में आप लोग को क्या क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे। सो यहाँ पर आप लोग को दो बड़े चेंजेस देखने को मिलेंगे जो कि है OBD2 सेंसर और RDE नॉर्म्स का। अब ये OBD2 सेंसर और RDE नॉर्म्स क्या है उसके बारे में मैं आप लोग को आसान भाषा में बताता हूँ। सो दोस्तों यहाँ पर बेसिकली होता यह है कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो ऑटोमोबाइल्स कंपनी यानी कि जो गाड़ियां बनाती है उन कंपनियों को जो है कुछ आदेश का पालन करने के लिए कहती है, क्योंकि गाड़ी के एग्जॉस्ट से जो है कुछ कुछ जहरीला गैस वगैरह भी निकलता है। सो यहां पर हमारी जो गवर्नमेंट है वो कंपनी को यही आदेश देती है कि आपके एग्जॉस्ट से जो है ज्यादा कुछ जहरीला गैस वगैरह ना निकले, जिससे कि हमारा वातावरण भी ज्यादा प्रदूषित ना हो और इसके अलावा ह्यूमन बॉडी को भी ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। अब यहाँ पर गाड़ी से ज्यादा जहरीला गैस निकल रहा है या फिर नहीं निकल रहा है इस चीज को कंपनी कैसे टेस्ट करती है उसके बारे में मैं आप लोग को अब बता देता हूँ। सो यहाँ पर दोस्तों होता क्या है, कंपनी जो है खुद से ही अपने लेबोरेटरी में टेस्ट करती है और टेस्ट करने के बाद रिपोर्ट को जो है गवर्नमेंट को सेंड किया जाता है। इसके बाद जो है गवर्नमेंट रिपोर्ट देखती है, फिर बाद में जो है अप्रूव भी कर दिया जाता है। सो ये तो होता था BS6 गाड़ियों में, बट यहाँ पर जो है BS6 फेज 2 के गाड़ियों में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि BS6 फेज 2 के गाड़ियों में आप लोग को RDE नॉर्म्स देखने को मिलते हैं यानी कि रियल ड्राइव एमिशन नॉर्म्स। अब ये जो रियल ड्राइव एमिशन नॉर्म्स है इसके बारे में भी मैं आप लोग को आसान भाषा में बताऊँ तो दोस्तों यहाँ पर बेसिकली होता यह है कि गाड़ी को जो है रियल वर्ल्ड में टेस्ट किया जाता है, क्योंकि दोस्तों कंपनी जो टेस्ट करती है और रियल वर्ल्ड में जो टेस्ट होती है उसमें आप लोग को थोड़ा बहुत डिफरेंस देखने को मिलता है, क्योंकि रियल में जो एक्चुअल में जो गाड़ी चलती है उस जगह पे जो है गाड़ी को फास्ट चलाना पड़ता है, इसके बाद जो है कहीं पे गड्ढे उड्ढे आते हैं तो उस जगह पे जो है गाड़ी को स्लो करना पड़ता है, गियर को अप एंड डाउन करना पड़ता है। तो इस वजह से कंपनी जो टेस्ट करती है और जो रियल वर्ल्ड में टेस्ट होता है उसमें आप लोग को थोड़ा बहुत डिफरेंस देखने को मिलता है। तो यहाँ पर अगर मैं आप लोग को और आसान भाषा में बताऊँ तो यहाँ पर जो है BS6 के मुकाबले BS6 फेज 2 की जो गाड़ियां होगी उन सभी गाड़ियों में जो आप लोग को BS6 के मुकाबले BS6 फेज 2 में जो आप लोग को कम पॉल्यूशन देखने को मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों BS6 फेज 2 की गाड़ियों में आप लोग को OBD2 सेंसर देखने को मिलेगा। अब ये OBD2 सेंसर क्या है उसके बारे में भी मैं आप लोग को बता देता हूँ। सो यहाँ पर दोस्तों OBD2 सेंसर एक सेंसर है जो कि आपके गाड़ी में जो है फिट कर दिया जाएगा और उस सेंसर के मदद से दोस्तों आप लोग अपने फोन को गाड़ी से कनेक्ट कर पाएंगे एंड आपके बाइक में
क्या कुछ प्रॉब्लम वगैरह आ रही है, वो सभी प्रॉब्लम जो है आपको फोन में ही पता चल जाएगी। तो यहाँ पर OBD2 सेंसर कुछ इस प्रकार से काम करता है। तो यहाँ पर आप लोग को BS6 गाड़ियों के मुकाबले BS6 फेज 2 की गाड़ी में आप लोग को ये सारे डिफरेंस देखने को मिलेंगे, या फिर कह लो तो BS6 के मुकाबले BS7 में आप लोग को ये सारे डिफरेंस देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पर यामाहा कंपनी जो BS6 फेज 2 वाला जो मॉडल्स है उनको जो है लॉन्च करना भी चालू कर दिया है, जो कि यहाँ पर जो है हाल ही में उन्होंने जो है FGS वर्जन 4 को लॉन्च किया था, फिर MT15 को भी लॉन्च किया, और साथ ही साथ दोस्तों रिसेंटली यहाँ पर जो है यामाहा कंपनी ने अपनी 2 स्कूटी को लॉन्च किया, जो कि फसिनो 125 और राइजेडार 125 को भी BS6 फेज 2 में लॉन्च कर दिया है। और यहीं पर दोस्तों मैं आप सभी को एक और बात बता दूं कि BS6 के मुकाबले BS6 फेज 2 की जितनी भी गाड़ियां हैं उन सभी का जो प्राइस है वो लगभग थोड़ा बहुत बढ़ जाएगा, जो कि लगभग जो है 4 से 5 हज़ार रुपए पहले के मुकाबले प्राइस बढ़ सकता है। बाकी आप लोग बताएं कि आप लोगों का क्या कहना है इस BS6 फेज 2 को लेकर, उसके बारे में अपना ओपिनियन नीचे कमेंट बॉक्स पे जरूर लिखेगा। तो इस वीडियो को भी दोस्तों अब हम लोग फिलहाल एंड करते हैं। तो वीडियो अगर आप लोग को पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर आप लोग पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, एंड अगर आप लोगों का कोई भी सवाल या सुझाव हो तो उसके बारे में भी नीचे कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं। तो इस वीडियो में दोस्तों फिलहाल इतना ही है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम एंड ऑल्सो राइड सेफ।